हम लोग डीपीएस पे स्टार्ट कर रहे थे, इसे कहते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व। दो प्रोस्पेक्ट से हम इसे पढ़ते हैं, पहले तो ये समझ लें। एक प्रिलिम्स में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और केवल हमें आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, प्रिलिम्स के सभी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। दूसरा, मेंस ओरिएंटेड, इसमें इतने इशूज हैं कि जैसे हम एग्जांपल दें, एक आपने सुना हो आर्टिकल 44, जिसमें हम पढ़ाएंगे अभी आपको समान नागरिक संहिता। भारत में अभी तक वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई और वो इशूज बना रहता है, और कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार चल रही है इसके कुछ एजेंडे थे। 371, उसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा इसका यूसीसी भी है, यूनिवर्सल सिविल कोड भी है, समान नागरिक संहिता भी है। तो और कह लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि 2024 से पहले यूसीसी ये सरकार लेकर आएगी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमने बताया, तो कुछ इसके ऐसे ऐसे राम मंदिर का मुद्दा, तो उनके कुछ उसमें एजेंडे में तो बहुत सक्रिय मुद्दा है जिस पर एक समझ बन सकती है। मेंस ओरिएंटेड अगर हम बात करें, हम जो इस क्लास में आपको समझाने जा रहे हैं वो प्रिलिम्स ओरिएंटेड हर चीजें बताने जा रहे हैं। उसके बावजूद हम कुछ बेसिक बातें पहले बताना चाहते हैं कि ये इसका ओरिजिन वगैरह क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा फैक्ट आप समझें, फिर हम समझाते हैं कि राज्य की नीति निदेशक तत्व तो क्या है, किस भाग में हमारे यहां। तो आप लिखेंगे भाग 4 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और हमने कहां से इन्हें लिया है, अडॉप्ट कहां से किया है? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो डीपीएसपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें यह समझना है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व तो क्या हैं, तो आपको एक बात समझ आ रही है, इस टर्म को ही ब्रेक कर लीजिए। राज्य, राज्य तो आप समझते हैं, स्टेट मतलब भारत को यहां राज्य कहा गया, और उसके लिए नीति, नीति शब्द का मतलब मैंने बताया था कि तीन टर्म याद रखा करें, कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य। मतलब कि राज्य कौन से ऐसे कार्य करे उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। बात समझ रहे? अब हम इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि ये भी एक तरीके के अधिकार ही हैं। यहां से आप समझें, किसे? बीएन राव का नाम सुना होगा, वो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। मतलब क्या है कि वो चाहते ये थे कि ये सभी चीजें भारत की जनता को मिल जाएं, जो मौलिक अधिकार में लिखा है और जो डीपीएसपी में भी लिखा है, दोनों चीजें। लेकिन उस समय हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि कुछ बाध्यकारी कर दिए जाएं जो अभी दिए जा सकते हैं, उन्हें हमने रख दिया भाग 3 में, जिन्हें हमने कह दिया क्या, फंडामेंटल राइट। और जो कहा कि जो भविष्य में हम उन्हें दे देंगे, तो उन्हें क्या हमने कह दिया है, डीपीएसपी या राज्य की नीति निषेधक तत्व। बात समझ में आ रही? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर पहली बात तो ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि राज्य क्या क्या करेगा, और उससे पहले क्या है, व्यक्तियों को अधिकार दिए गए थे, किसके, राज्य के विरुद्ध। और ये किसके विरुद्ध हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों के विकास के लिए हैं, लेकिन ये पावर मिली किसे है, राज्य को मिली। जैसे हम कहें कि कोविड जब आया तो आर्टिकल 47 का यूज करके सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की कि सभी लोग को लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि आर्टिकल 47 कहता है कि वो स्वास्थ्य पर ध्यान देगी सरकार, और उसके लिए जो भी उसे गाइडलाइन, तो उसने प्रतिबंधित कर दिया। समझे? इसी तरीके से बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिन्हें हम देखेंगे जो राज्य हमें समय समय पर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी या निर्देशित करेगी। तो हम यहां पर आर्टिकल्स की समझाते हैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया वो आर्टिकल से। उसी में साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम बताएंगे, बाद में हम आपको बताएंगे कि इस पर कई थिंकर्स ने कई थॉट्स दिए। ठीक, जो ओवरऑल जब आपको ये समझ में आ जाए, तो पहला आर्टिकल आप डालेंगे यहां से आर्टिकल 36, और इसमें केवल इतने लिखेंगे राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा।
ध्यान से समझे, इसमें वही राज्य की परिभाषा है जो मैंने आर्टिकल 12 में बताई थी मौलिक अधिकारों में। मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा निकाय जिसमें सरकार का पार्टिसिपेशन है, संसद हो, विधानमंडल हो या कोई भी संस्था तक हो, वो सभी राज्य हैं। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के कामों को कर रहा है वो भी हालांकि क्या है, राज्य। बात समझ रहे? तो यही राज्य की परिभाषा थी। आर्टिकल 37 की समझ थोड़ी ध्यान से समझिए, इसमें दो बातें बोली गई हैं। पहला बोला गया कि ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं का मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिफेबल नहीं, अगर ये लागू ना हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी बात बहुत गहरी बोली गई, कहा परंतु शासन में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है। देखिए, एक कहा कि परिवर्तनीय नहीं है और दूसरा क्या कहा कि शासन में मूलभूत है। अब थोड़ा समझिएगा, अंतर समझ लीजिए। शासन, शासन शब्द का मतलब होता है कि सार्वजनिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। समझे? जैसे आप कितने घंटे सो रहे हैं, यह हमारे संविधान में नहीं लिखा होगा, ना किसी शासन की किताब में लिखा होगा। लेकिन आपको शिक्षा कैसे मिलेगी, आप रोजगार कैसे मिलेंगे, आप रोड पर कैसे चलेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, तो ये सब चीजें किसमें लिखी गई होंगी, मतलब जिसका भी समाज पर प्रभाव पड़े वो सभी शासन की किताबों में लिखी जाती हैं। तो कहा गया कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो समाज को संचालित करने के लिए मूलभूत हैं। इसका मींस क्या है, परिवर्तनीय ना होते हुए भी इन्हें इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। बात समझे? लेकिन उस समय की हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। तो दो बातें किस आर्टिकल में हम कह रहे हैं, आर्टिकल 37 में, कि परिवर्तनीय नहीं है, इनके लिए कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन सरकार इनका पालन जरूर करे क्योंकि ये सत्ता में क्या है, शासन में ये मूलभूत हैं। बात क्लियर इतनी? तो ये आर्टिकल 37। अगला आर्टिकल्स पर बहुत फोकस करिएगा क्योंकि आर्टिकल से ही क्वेश्चन अभी तक बने और यूपीएससी में आप समझिए इससे 58 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं केवल इतने आर्टिकल से अभी तक। आप सोचकर समझ सकते, मतलब उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा के क्वेश्चंस बहुत पूछे इससे। और अभी हम बताएंगे इसकी अब आगे विशेषताएं कि ये कैसे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आगे कॉन्सेप्ट पर आएंगे। पहले आर्टिकल्स पर फोकस कर लो तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आर्टिकल 38 देखिए क्या कह रहा है। आप बताइए कि हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हम तीन तरीके के न्याय स्थापित करेंगे, वही ये कह रहा है कि राज्य क्या करे, तीनों न्याय स्थापित करे। कौन कौन से? चाहे सामाजिक हो, चाहे हम किसकी बात कर लें, आर्थिक हो, और चाहे राजनीतिक हो। दूसरी बात भी उसने कहा कि असमानताओं दूर करे। किसकी असमानता? अवसर की, प्रतिष्ठा की, मींस जो हम प्रम्बल में पढ़े थे सुविधाओं की, जैसे किसी के पास तो बहुत सुविधाएं हैं और किसी के पास क्या है, सुविधाएं नहीं है, और आय की। तो उसने दो बातें कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, 44th अमेंडमेंट, और वो 44th अमेंडमेंट जो हुआ वो यहां पर हुआ क्लॉज 2 में, इसे स्पष्ट किया गया। लेकिन वो पूछते हैं कि किस संशोधन द्वारा आर्टिकल 38 की भाषा में सुधार किया गया, तो हम उत्तर करते हैं 44वें संविधान संशोधन पर। बस समझ में आ रही? तो यहां पर हम बताना क्या चाहते हैं इसे पहले तो कहा, अब यहीं से सब मेन चलने लगा कि आर्टिकल 38 में कहा कि राज्य ऐसे काम करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। बस दूसरी बात कह रहे हैं कि असमानताएं कौन सी, अवसर की असमानता दूर करे, सुविधाओं की असमानता, किसी के पास पता चले चार चार फोर व्हीलर हैं, किसी के पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार ऐसे कार्य करे, इस तरीके से अपनी नीतियां बनाए कि सुविधाओं का जो हो वो विकेंद्रीकरण हो। बट हम अभी अभी इसी से बताएंगे कि हम लोग कैसे कल्याणकारी राज्य हैं, सीमित राज्य नहीं है, जबकि बहुत से ऐसे स्टेट मिलेंगे जो डेवलप्ड हैं और वो सीमित राज्य, लिमिटेड स्टेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं और हम लोग वेलफेयर स्टेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। मैं आर्टिकल के बाद कॉन्सेप्ट पे आना चाहता हूं, इसलिए आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सुविधाओं, फिर क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा। अब देखिए पहले कितनी उपाधियां वगैरह दी जाती, तो कह रहा है कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को इस आधार पर, विशेष अधिकार के आधार पर ना दे, ऐसी कोई नीति नहीं बनाएंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि हमने आय, अगर इनकम आपको पता है, अंबेडकर जी का स्टेटमेंट हम यहां कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र अगर आप क्या करोगे, स्थापित नहीं करोगे, तो सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होना संभव ही नहीं है। इसी में, इसी चैप्टर को मतलब डिस्कस करते समय अंबेडकर एक बात बोलते हैं, सही बात है, अगर आपके पास पर्याप्त
पैसा नहीं है, आय नहीं है, तो आपको लोग समाज में और राजनीतिक अधिकार नहीं देते। लोग कहते हैं आज भी हमारे यहाँ के बारे में कि कहने के लिए हमने राजनीतिक अधिकार सबको वन वोट दे दिया है, लेकिन जो पैसे वाला व्यक्ति है वो कम से कम 10-20 वोट लेकर। तो भारत में धनिक तंत्र चलता है लोकतंत्र की जगह, और ये बात सही है क्योंकि लोग बातें किसकी सुनते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास आय ज्यादा है, सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो ये चीजें भारत के बारे में जब टिप्पणी की जाती है भारत के लोकतंत्र पर नकारात्मक, तब उसके बारे में बातें बोली भी जाती हैं, और ये बात सही है। ऐसे सोसाइटी इंडिया की मोबिलाइज भी होती है। तो सरकार कैसी नीतियां बनाएगी ये सब चीजें दूर करेगी। अब 39 तो इतना क्रांतिकारी आर्टिकल है जिसमें हर विषमता को दूर करने की कोशिश की है। आप ध्यान से समझेंगे आर्टिकल 39 में कई क्लॉज हैं। पहली क्लॉज का में कहा कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे आजीविका सबको उपलब्ध हो। ध्यान से समझेंगे, कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि राज्य सबको रोजगार दे, आजीविका की बात कर रहे हैं। आजीविका और रोजगार में अंतर समझिएगा, ठीक है? आजीविका रोजगार में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझे। आजीविका होता है, जैसे सपोज करिए आपने पीएचडी कर रखी थी, आपने देखा था यूपी में पीएचडी के बाद 300-400 कुछ वैकेंसी आई और पेपर में निकला कि 1 लाख के करीब लोग चपरासी की दौड़ में पीएचडी होल्डर। आप इमेजिन करके देखिए, ये पीएचडी होल्डर लोग अगर चपरासी की नौकरी करेंगे तो क्या इन्हें रोजगार मिला है? आजीविका चला रहे हैं। मतलब क्या है, आपके स्किल ओरिएंटेड अगर आपको जॉब काम नहीं मिल रहा है तो आप केवल आजीविका चला रहे हैं, आप उस समय रोजगार में नहीं। बात समझ? तो रोजगार और आजीविका में अंतर समझ आए। और अगर आपकी स्किल ओरिएंटेड आपको काम मिल जाए तो आप क्या है, किसमें है, रोजगार में। तो भारत में बहुत बार मैंने जब एजुकेशन रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो देखा जाता है मैक्सिमम लोग आजीविका, ठीक है, भारत में कहा जाता है कि 2007 के बाद एक दौर चला इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आजीविका फॉलो की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोजगार की ओर ट्रांसफर नहीं हुए। 96% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अनस्किल्ड पाए गए। बात समझ रहे? और उन्होंने ऐसा नहीं कि वो सेटल्ड नहीं है, वो भी सेटल्ड है कहने के लिए, लेकिन वो किस आधार पर मिले? मेडिकल स्टेट 73% मेडिकल के लोग वाले गए कि आजीविका पर चले गए, जबकि उन्होंने अच्छा खासा पैसा स्पेंड किया अपने उन ट्रेनिंग कोर्स में। बस ये मैं डेटाज बता रहा हूं जो द हिंदू वगैरह में डेटा पब्लिश होते हैं आपको कुछ। तो कहने का मीन ये है कि आप 39 का पहला समझ पा रहे हैं कि वो किस क्या कह रहे हैं कि राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि सबको आजीविका दे, मतलब सब सर्वाइव तो कर सकें, ऐसी स्थिति तो राज्य पैदा ही करेगा, ठीक है? तो ये पहली बात क्लियर इतनी। अब देखिए इसके कई क्लॉज हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, तो दूसरा क्लॉज हम खा बताते हैं। खा में देखिए क्या कह रहा कह रहा कि भौतिक संसाधनों का वितरण। अब खा और गा जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत पेपर में इन्हीं पर बहुत केस आ चुके हैं, मतलब मामले बहुत हैं। भौतिक संसाधनों का वितरण ऐसे करे कि सभी के पास जाए। आप ऐसे सोचिए, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जिन पर, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत डेवलप कर रहा है, अब भारत डेवलप करने में हमने देखा है कि हमने लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बहुत जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि हमारा ये नहीं कहता ये बात। गांधी भी इसके पक्ष में कभी नहीं थे, आप समझिए, वो हमेशा लघु माइक्रो इंडस्ट्रीज को क्या देना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते। भौतिक संसाधन कारण क्या है, अगर मोनोपोली हो जाएगी, अब समझिए वही जियो जिसने फ्री में पूरी मार्केट के अक्वायर किया, अब वही जियो आज निरंतर प्राइस को क्या कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। और पहले बहुत, जब आप खुद इमेजिन करिए, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक समझिए, अगर एक बेचने वाला हो फल की दुकान लगाए है और 10 खरीदने वाले पहुंच जाए, तो आप बताइए कि ये किस कैसे बात करेगा, कहे 50 रुपए में बेच रहे हैं, तुम्हें लेना हो लो नहीं तो अपने घर जाओ। लेकिन आप अपोजिट सोचिए, अगर 10 बेचने वाले हों और एक खरीदने वाला हो, तो ये 50 बताएगा, कहेगा ये कहेगा हमें 30 में दे दो तो 30 में, यानी जनता को तब प्रॉफिट है जब सेलर ज्यादा हो बायर कम। बात समझे? इसीलिए ध्यान से समझिएगा, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की कल्पना की गई, कोऑपरेटिव सहकारी समितियों की, आगे समझाएंगे, जैसे मान लीजिए गांव से 50 लोग शहर में दूध बेचने के लिए निकले, तो शहर का व्यक्ति क्या करता है, कालर ऊंची करके कहता है कि तुमसे नहीं, हम उनसे खरीदेंगे, कभी कहेगा उनसे खरीदेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों में जब जागरूकता आई तो उन्होंने एक जगह दूध को कलेक्ट किया और वही जब शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके पास ऑप्शंस खत्म हुए, उन्हें उसकी उचित कीमत मिली, उनका समय बचा, उन्होंने अन्य कामों में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे, मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि दोनों के अपने प्रॉफिट और अपने नुकसान है।
बात समझ रहे हैं? लेकिन भारत की जो स्थिति है इस समय सामाजिक, उसमें कहा जाता है कि माइक्रो और मिडल जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ज्यादा आवश्यकता है। बात समझ रहे? तो ये भी, ये बात इसमें लिखी भी है। भौतिक संसाधनों का कैसा वितरण की बात कर रहा है? उचित वितरण की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इतनी। तीसरी अगर हम बात करें, वो कह रहा है एक चीज और, बहुत गा में बहुत अच्छी बात कही कि उत्पादन जो है, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण, संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेंगे। अब यहां से समझिएगा, अब जैसे ऐसा कुछ हो जाए कि राजाजीपुरम में या लखनऊ में केवल हमारी ही कोचिंग चले, सोच कर देखो थोड़ा है, तो फिर क्या हो? प्रॉफिट। आप समझिए, उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण ये हो जाएगा, हम ही केवल शिक्षा के सर्विस दे रहे हैं सबको, ठीक। तो उन स्थितियों में क्या होगा कि आपको पता हमारी प्राइस और वो सब चीजें होगा, जैसे मैं एक लाइन नहीं बोलता हूं कि समुद्र उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से सिर्फ प्यासा बोलता है। कहने का यहां मतलब क्या है कि फिर वो यही व्यक्ति, जैसे अगर हम ही इस तरीके से उठ जाए, बहुत से लोग आप देखते हैं तो वो क्या उल्टी सीधी इगोइस्ट बातें या उस तरीके की बातें निकलने लगती हैं। तो और जब तक आपको पता है कि सब चीजें बैलेंस रहती हैं, तब तक लोग हर चीज को समझते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा अफोर्डेबल कंडीशन में नहीं है तो उसे भी पढ़ाने की क्या, अगर वो पर्याप्त उनमें कंडीशन मतलब उनमें क्षमता है तो वो उसे भी सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो सीधा से यहां मतलब यह है कि उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण की बात की गई। कोई भी चीज उत्पादित हो रही हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हम कहें स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे कोई वस्तु उत्पादित हो, जितने ज्यादा लोग उत्पादित करेंगे उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हमारे नीति निषेध तत्व में भी ये लिखा है कि उत्पादन की जो है वो विकेंद्रीकरण किया जाए, किसी एक व्यक्ति को केंद्रित ना किया जाए। लेकिन आप जब पॉलिसीज देखते हैं पूंजीवाद की ओर और समाजवाद में, समाजवाद पूंजीवाद में एक अंतर मिलेगा। पूंजीवाद में आप देखते हैं कि धीरे धीरे, पूंजीवाद में पहले था कि उत्पादन के केंद्रों का विकेंद्रीकरण होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पूंजीवाद में मार्केट हायर कर रही है कुछ कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं, और बाकी जो छोटी छोटी धुरें हैं धीरे धीरे क्या होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही। जैसे आप देखिए, यही अगर ई ब्लॉक मार्केट की हम बात करें तो जब से बी मार्ट खुला तब से बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये बातें समझना है। लेकिन यहां डीपीएसपी में क्या लिखा है, विकेंद्रीकरण की बात। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्त्रियों को उतना वेज नहीं दिया जाता है जितना पुरुषों को दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता, यह माना जाता है कि अगर वो मान लीजिए कोई भी आकुशल कार्य करने नहीं है, आकुशल जिसमें स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे लेवरिंग के काम होते हैं, गिट्टी मसाला इन सब चीजों को डालने का, तो उन परिस्थितियों में क्या देखने को मिला कि अगर पुरुष को वो 500 रुपए दे रहे हैं तो स्त्री को 300 रुपए दे रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं कि राज्य ऐसे नियम बनाएगा कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन। कारण फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता था, उन्हें लोग जॉब पर भी नहीं रखते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कारण उसके पीछे क्या, उनकी बायोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक। और ये सब चीजों को भी दूर करने के बारे में इन बातें में बोली गई। इसीलिए अगला जब आर्टिकल इसमें दिया गया अंगा, तो इसमें कहा गया कि स्त्री हो, ध्यान से समझिएगा, चाहे पुरुष हो और चाहे बालक हो, ऐसी स्थितियां पैदा करो कि इनकी दशाओं का दुरुपयोग ना हो। समझ रहे? मतलब इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। हालांकि 42 में सीधा कहा जाएगा मानवोचित दशाएं कार्य के लिए की जाए, उसी के साथ प्रसूति सहायता दी जाएगी, लेकिन यहां पर भी स्त्री पुरुष और बालक के लिए स्वास्थ्य कारक अवस्थाएं डेवलप करने की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे? इसी में एक आर्टिकल 4 जोड़ा गया बाद में, स्पेशल बालकों पर फोकस किया गया है कि बालकों के लिए हम ऐसी परिस्थितियां बनाए कि उनका स्वास्थ्यकर विकास हो सके। बात समझ रहे? उनका कैसा विकास हो सके, स्वस्थ कर। तो आर्टिकल 39 समझ में आ रहा है, पहले में क्या आजीविका, दूसरे में भौतिक संसाधनों के वितरण की बात कर रहा है, तीसरे में उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, और फिर क्या पुरुष स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की, फिर सभी के लिए कहा अनुकूल दशाएं दी जाएं, और फिर बालकों के लिए लास्ट में 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। संशोधन अभी हम अलग से कराएंगे आपको,
एक लिस्ट बनवाएंगे कि कौन कौन से जुड़ेंगे। तो ये इतनी बात समझ में आ रही, यहां तक आर्टिकल में 39 आर्टिकल और 38 जनरली लोगों को समझ नहीं आता, तो मैंने समझाने की कोशिश की, अगर कोई डाउट हो यहां तक बताइए। समझ आ रहा है? अच्छा अच्छा अगला जो है हम आपको पढ़ाते हैं 39 का। उससे पहले एक डिफरेंस बताते हैं, ये 39 और इस 39 का में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये क्लॉज पढ़ते हैं, ये 39 क्लॉज का, और इसे स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में पढ़ते हैं 39 का, ठीक है? जिससे अभी अगर हम पूछें कि बताइए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक ही उसमें लिखा है, समझ आए? लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे तो 470 प्लस आर्टिकल मिल रहे हैं। कहने का मीन यह है कि वो कौन से स्वतंत्र रूप से काउंट किया जाएगा, ये नहीं काउंट किया जाएगा, समझ आए? तो बंडे एग्जाम पीसीएस में पूछते हैं, कह देते हैं कि और पीसीएस और बंडे एग्जाम में कि कितने आर्टिकल्स हैं, तो हमें उस दौरान अपडेट करके जाना पड़ता है कि कितने हैं, समझ आए? और अगर नंबर्स पूछा जाए तो आज भी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक ही लिखा है, तो समझ, तो स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में इसे काउंट किया जाता है। इसे क्लॉज पढ़ते हैं, 39 क्लॉज का, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही? तो हम अगला जो आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा, 39 का। इसमें कहा गया है कि निशुल्क न्यायिक सहायता, निशुल्क न्यायिक सहायता, जैसे हमारे यहां इसमें क्या रखा गया, कोई भी व्यक्ति को न्याय के लिए इस आधार पर उसका न्याय से वंचित उसे नहीं किया जाएगा तो उसके पास पर्याप्त क्या नहीं है, आय नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब इसके, तो क्या करेगा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जज जो होते हैं या वकील होते हैं वो फ्री सर्विसेज भी देते हैं, या सरकार अगर आप अपना वकील नहीं कर पाते हैं तो सरकार आपको वकील उपलब्ध कराती है, ठीक? तो यही चीज इंप्लीमेंट, और कहा राज्य इसका प्रयास लगातार करेगा, ठीक है? तो ये चीज, तो इसमें इतना ही जानना है। अब आर्टिकल हम जो समझाने वाले वहां वहां समझाते हैं, संक्षेप में लिखते जाइए। आर्टिकल 40 में है पंचायती व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायती व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक? अब ध्यान से, ये इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक? इस पर जिक्र बाद में हम करेंगे। अब ये देखिए दर्द तुम लोगों का, कह रहा है कि अगर आप क्या हैं, बेरोजगार हैं, है ना, बुढ़ापा आ गया है, बेगारी आ गई है, हैं, या असक्तता आ गई है, ठीक, इन परिस्थितियों में राज्य आपकी सहायता करेगा, समझे? जैसे बेरोजगारी भत्ता जब देता है राज्य, तब आप इसी आर्टिकल के तहत देता है। जब दिव्यांगों की सहायता करता है कि तुम्हें साइकिल देंगे, कंबल देंगे, तुम्हें ये देंगे, ठीक, तो इसी के तहत। अभी आपसे श्रम कार्ड सरकार ने आपका बनवाया और कहा 1000 रुपए समथिंग जो भी देने की बात कही, वो किसके वजह से, इसकी वजह से। वृद्धा पेंशन कहां से देता है, समझे? यह आपने देखा होगा, जैसे मैंने आज पढ़ाया स्माइल योजना, उसमें बताया भिक्षावृत्ति और ट्रांसजेंडर्स के लिए पुनर्वास और रहने के लिए क्या की व्यवस्था। तो ये सब जितने प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है वो किसके तहत, आर्टिकल 40, समझे? अब आर्टिकल 42 पर फोकस करें। वो आर्टिकल 46 का हिस्सा है। आर्टिकल 46 कहता है, जब सरकार कहती स्कूटी देंगे, कहता एससी एसटी और दुर्बल वर्ग तीन के लिए शिक्षा और अर्थ की सहायता उन्हें की जाएगी। वो किस लिए, क्योंकि 47 कहेगा कि उनका जीवन स्तर और पोषण स्तर उठाना है, तो वो आर्टिकल 46 में आ जाएगा, वो उसमें नहीं आएगा। ये ही केवल चीज है, जैसे हम लोग इसमें हमारी मदद जो होगी वो किसके तहत होगी, हाँ ठीक, इसमें कुछ लोगों की इसके तहत भी होती, ठीक। <थीक? coughs>
46 मैंने बताया तीन लोगों को याद रखें 46 में, अभी हम आएंगे क्रम से। कहा एससी एसटी बोला गया और दुर्बल वर्ग, पिछड़ा वर्ग यहां नहीं कहा गया, दुर्बल वर्ग। इनके दो चीजों के लिए राज्य कर सकता है, एक शिक्षा के लिए और एक अर्थ की सहायता, मतलब शिक्षा के लिए इनकी अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, धन की मदद करेगा इन्हें। अच्छा वो चीज अब आप ऐसे बताइए, जैसे जब वो देते हैं एलिजिबिलिटी की वजह से, पर एक्चुअली क्या है उसके पीछे हमारे एक प्रोग्राम और है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक, जैसे प्राइमरी तो ले ली, बहुत ज्यादा ट्वेल्थ तक तो पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन ही बहुत कम करते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत ही रेयर पढ़ते हैं। तो हायर एजुकेशन को मोटिवेट करना भी एक प्रोपेगेंडा है वहां पे, तो ये चीजें भी देखी जा रही। तो फाइनली वहां पर क्योंकि क्यों नहीं करते, जब ये रिपोर्ट निकाली जाती है तब लोग कहते हैं कि वो जीविका के लिए अपने आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ना कौन नहीं चाहता। तो उसकी वजह से ये देखा गया कि इन लोगों को अगर हम उसकी जीविका दें, संसाधन दें, तो हो सकता है कि ये लोग हायर एजुकेशन में एंट्री लें। और सिंपल सी बात है, आप बताइए कि कौन नहीं पढ़ना चाहेगा भाई। अभी आप लोग हैं, आप लोग जीविका के लिए ही तो पढ़ने के लिए इच्छुक हुए, और अगर ये कह दिया जाता कि इससे जीविका को कोई लेना देना नहीं, और जीविका मान लीजिए आपके पास एक जीविका का रोजगार पर्याप्त हो फुल प्लेज्ड, तब फिर आप कुछ लोग शौक में पढ़ते हैं, और जब शौक में पढ़ते हैं ठीक, तब आपको पता उत्थान होता है। एक चीज में और बताना आपको चाहूं, हमेशा याद रखिए कि विचार अगर आपको विकसित करने हैं तो उसका एक ही मूल है शिक्षा, और भारत में सबसे ज्यादा अभाव इसी का है। लोग ये तो चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार इमर्ज हों, आइडियाज आए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा के बिना आइडिया की क्रांति नहीं संभव है, और बिना विचार के आपको पता कोई क्रांति संभव नहीं है। अगर हम गोल की भी बात करें तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में आइडियाज ही नहीं आते अपने लक्ष्य को लेकर, वो व्यक्ति कभी लक्ष्य हासिल नहीं करता। अब वो हो सकता है कि कितने टाइप्स के गोल हों, जैसे एक पहले टाइप के गोल होते हैं जिन्हें जीवन में तुमने कभी उनका अनुभव किया होता है, जैसे मान लो टेंथ ट्वेल्थ पास करके आए तो एकेडमिक में तुम्हें डर नहीं लगता कि हम एकेडमिक पास ही कर लेंगे, ये पहला टाइप है। एक सेकेंड टाइप गोल होते हैं जिसमें कुछ पुराना कुछ नया, और थर्ड टाइप गोल जब जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आए उसके सिम्टम्स हम बताते हैं, वो होते हैं जब तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस फील हो, खुद से पॉजिटिविटी आए, कोई कुछ भी कह रहा हो लेकिन तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा हो, तब आप कहते हैं कि आप थर्ड टाइप गोल की ओर बढ़ रहे हैं, और उस दौरान तुम हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार होते हो। इसका एग्जांपल हम देते हैं, मैंने ज़्यादा तो वो नहीं, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक फॉरन, मुझे नाम उसका नहीं याद है, वो एक बात बोलता है कहता है कि मैं एक प्लेयर से मिलने गया, मुझे प्लेयर का नाम याद नहीं, फुटबॉल प्लेयर था, प्लेयर से मिलने गया तो हमने उसके यहाँ देखा उसके रूम में कि सब पूरा भरा पड़ा हुआ था, सब चीजें गेम के अवार्ड उनसे कह रहा कि मैंने, और उसी से मेरा अगला गेम भी होने वाला था, अब मैं बिल्कुल ग्राउंड पर था, मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि आज से एक साल बाद इसके सामने हमें जाना है, और एक साल बाद मुझे क्या करना है, इसे परास्त करना है किसी भी तरीके, मतलब इसे जीतना है किसी भी चीज की बिना परवाह किए। उसने एक साल के लिए कह रहा, फिर उसने लिस्ट बताई थी अपनी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स थी, तीन बीमारियों से ग्रसित था वो, सब कुछ था, और कहता है कि हर चीज को काउंटर करके 2.5 साल बाद उसने उसे 7 बार हराया। आप इमेजिन करिए, ये वही लोग हैं जो कौन, और आप इमेजिन करिए जिस समय वो ये सपना देख रहा है उस समय वो कह रहा है कि हम सीरियस तीन प्रॉब्लम से पीड़ित थे। तो ऐसे भी लोगों ने किया तो ये बात भी समझने वाली है, तो आइडियाज ऐसे भी चलते हैं। तो 46 समझ आ रहा आगे बात करते हैं, हमने कहां तक करा दिया 41। आर्टिकल 42 पर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी हम संक्षेप में बताएंगे। इसमें बताया तो यही गया है कि मानवोचित दशाएं हम देंगे, मानवोचित दशाएं। अब इस पर भी बहुत डिबेट होती, इसी के तहत प्रसूति सहायता दी जाती है महिलाओं को, प्रसूति सहायता, इसी के तहत उन्हें अवकाश भी दिया जाता है। अवकाश समझते हैं, जो मतलब इन प्रेगनेंसी या जॉब के साथ जो दिया जाता है, ये सब कुछ इसी के तहत मिलता है ठीक।
इस पर कभी कभी ये विवाद चला करता है कि पुरुष को भी मिलना चाहिए, टेक केयरिंग पेरेंट्स के बेसिस पर, कि वो अपनी वाइफ की क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ विचार भी किया जा रहा है कि 15 दिन का पुरुष को भी दे दिया जाए, लेकिन आपको पता कुछ पुरुष ऐसे हैं वो कहते हैं कि 6 का ही नहीं दे तो 6 का ही हमें दो। ये डिबेट चल रही है, करे लिंग के आधार पर ये भेदभाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जज कहा है कि उनकी जैविक परिस्थितियां अलग होती हैं और ये लिंग के आधार पर भेदभाव के तौर पर इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में समता पर बल दिया गया है, समानता पर नहीं। समता समानता में अंतर स्पष्ट किया है, इक्विटी पर फोकस है, इक्वलिटी पर नहीं। इक्विटी का मतलब क्या है, समान परिस्थितियों में। और अब तभी सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है, अगर तुम समान परिस्थिति दे सकते हो तो तुम्हें 6 माह का अवकाश मिलेगा। तो बात समझ पा रहे तो आर्टिकल 42 समझ में आ गया। आर्टिकल 43 ठीक, पहले तो कह रहे कुटीर उद्योगों की स्थापना पर फोकस किया है इसने, दूसरा कहा कि कर्मचारी जो हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। देखिए सब जगह कुटीर उद्योगों पर फोकस करवा रहे हैं, ठीक। एक चीज और ध्यान से इसे थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए क्या है। ये आर्टिकल इस बात का भी विरोध करता है कि बहुत ज्यादा मशीनीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मशीनीकरण। कारण क्या है, क्योंकि वो कहता है कि कर्मचारियों पर क्या है, उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। जैसे फिर स्पष्ट ही कर दिया उन्होंने आर्टिकल 43 का, में कहा कि कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन करें। तो आप लिख लीजिएगा इसमें कर्मचारियों की भागीदारी का, भागीदारी सुनिश्चित कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित। अब यहां पर समझिए 43 खा एक जोड़ा गया, इसमें सहकारी समितियों की बात की गई, सहकारी समितियों की बात, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। अब थोड़ा यहां से फोकस करना इसका मतलब क्या है कि यहां पर कर्मकारों पर फोकस किया गया कंप्लीट, उद्योग धंधों पर फोकस किया गया कंप्लीट, यहां पर उनकी क्या है भागीदारी सुनिश्चित की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने क्यों बताई, क्योंकि भारत में आपको पता आय की कमी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सफल है। जैसे सपोज करो हम लोग अभी कोई भी काम अकेले के दम पर हो सकता है स्टैंड ना कर पाए, लेकिन अभी अगर टीम वर्क करने लगे तो किसी भी काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। गांव में अगर यही चीज की अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाए तो महिलाएं, जैसे सपोज करो भारत में पता है, एक थोड़ी सी हम संक्षेप में बात करना चाहते हैं, जैसे 50% पॉपुलेशन मान लीजिए महिलाओं की है, और आप अच्छा खुद सोच कर देखिए केवल 25% महिलाएं वर्किंग मानी गई, 75% महिलाएं ऐसी हैं अगर उन्हें मान लें 100 के तरीके से, केवल वो अपने पति को खाना बना के खिला रही हैं, अब बच्चों की देख रेख कर रही हैं। आपको नहीं लगता है कि उतने ही पतियों को, पुरुषों को अगर खाने की काम, मुश्किल से 25 महिलाएं कर सकती हैं काम, 50 महिलाओं को वर्किंग में लाया जा सकता है। अब वो कौन से उद्योगों में, कुटीर और उनके बेसिस पर। लेकिन क्या इतना सौहार्द और इतनी जागरूकता महिलाओं में है, क्या कोऑपरेटिव है इतना, तो नहीं। तो खाना ही नहीं बना, हाँ बहुत से काम। और आपको बताया, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट एक बार आप समझा रहा था मैं क्लास में, संक्षेप में डिस्कस करूं, अगर जैसे सपोज करो एक गांव है और गांव में केवल 100 लोग, ठीक, और ये 100 लोग के लिए आप बताइए कितने लोग खाना बना सकते हैं। मान लेते हैं 50 पुरुष हैं और 50 महिलाएं, हम केवल अभी फीमेल्स के एम्प्लॉयमेंट पर बात करें, तो आपको पता है कि हार्डली 10 महिलाएं खाना बना सकती, और हो सकता है कि 40 महिलाएं जो बची हैं इनमें से 5 महिलाएं बहुत अच्छी टीचर हों, ये बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं। हो सकता है कि 5 ऐसी हों जो कपड़े बहुत अच्छे एक्सपर्ट हों, कपड़े के काम में हो सकती, हो सकता है 5 ऐसी हों जो अन्य छोटे छोटे उद्योग होते हैं बुनने और उनके वो अच्छा कर लेती हूँ। हम कहना ये चाहते हैं अगर ये 5-5 पर केंद्रित हो जाएं तो इनमें सौहार्द भी पैदा होगा। कारण क्या है, निर्भरता प्रेम भी उत्पन्न करती है और आत्मनिर्भरता आपको पता है बिलगाव भी पैदा करती है।
याद करिए कि न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होना एक इनकम बढ़ने वही है, इमोशनल, तो उस गांव में और दृढ़ता आएगी। अगर यही चीज गांव गांव जोड़कर, हर गांव में कुछ प्रोडक्शन किसी चीज का ज्यादा होता है, केंद्र जैसे हो सकता है वहां की भूमि गेहूं अच्छा उत्पादित कर रही हो तो वहां गेहूं का हब बनने दिया जाए, किसी क्षेत्र की गन्ना अच्छा उत्पादित, किसी क्षेत्र की दाल अच्छा उत्पादित। अगर मतलब हम कहना चाहते आत्मनिर्भर नहीं, निर्भरता को बढ़ावा दिया जाए, और उसमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक उसे ले जाया जाए, तो ज्यादा डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज है। बात समझ, अब जैसे खुद ही समझिए, वही व्यक्ति जिसे ठीक से पढ़ना नहीं आता और मान लीजिए वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वही अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा और गेम भी सिखा रहा, तो वो गेम तो अच्छा सिखा देगा लेकिन क्या अच्छा पढ़ाएगा? लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा पढ़ने में अच्छा है लेकिन गेम में अच्छा नहीं है, वो अपने बच्चों को जब ट्रेनिंग देगा तो पढ़ा अच्छा देगा लेकिन गेम नहीं अच्छा। लेकिन यहीं पर अगर परस्पर निर्भरता आ जाए, वो कुछ क्षण के लिए उस बच्चे को गेम सिखाए और वो कुछ क्षण के लिए उसे पढ़ाए, तो क्या वो जो बच्चा प्रिपेयर होगा वो दोनों में एक्सपर्ट होगा तुलनात्मक? उसका इंटरेस्ट बढ़ा होगा, होगा या नहीं होगा? तो कहने का मीनिंग है कि ये चीज भी यहां आर्टिकल 43 से आप सीख सकते हैं कि जब वहां भागीदारी या कुटीर उद्योग की बात की जाती है तो एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब हम आते हैं एक आर्टिकल 4 P4, स्वयं सहायता समूह होता है महिलाओं का, वो इसी वो सहकारी समितियों का एग्जांपल, हाँ सहकारी समितियों का एग्जांपल, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, या आपने जैसे SHG जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक, ऐसे ही अब बहुत सी PLI करके चली हैं योजनाएं भी, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव करके, तो इनके तहत भी बहुत से ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे ये सब चीजें जो आती हैं वो इन्हीं के तहत आती हैं। एक चीज और बहुत अच्छा, हम एक टर्म समझाना चाहते हैं अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 44 डाल लीजिए, संहिता। किसे कहते हैं कोड? हम यूनिवर्सल पर डिटेल में कभी बात करेंगे, आर्टिकल 44 की समझ के लिए केवल, कोड क्या, संहिता क्या होता है? सार्वजनिक नियमों को संचालित करना, कैसे, उसी को हम कहते हैं। जैसे देखिए दो तरीके का, या तो लोग अपराध, आपराधिक मामले के लिए आएगी, या ये नागरिक मामले के लिए आएगी। हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसके लिए हमारे यहां ऑलरेडी संहिताएं हैं, आपने सुना होगा IPC, CRPC, समझ, ठीक। इसमें क्या, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था धारा 306 क्या बताया था, आत्महत्या अगर आपने करने का प्रयास किया और आप असफल हो गए तो आपको दंडित किया जाएगा। धारा 307 अगर आप इरादतन मारते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इतने चोट पहुंचाते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक। धारा 309 बताई थी, क्या बताया था, मानसिक रूप से ऐसे हालात पैदा करते हैं कि वो जाकर सुसाइड करने के विवश हो जाए, तो मतलब समझ आ रहे, बहुत से ऐसे IPCs हैं। 304B बताई, दहेज से रिलेटेड है, तो आपराधिक के लिए हमारे यहां ऑलरेडी दिया गया है कोडिंग, ठीक। अब ये क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड समझाने के लिए, कि उसे UCC क्यों कहते हैं, समान नागरिक संहिता, समझ रहे हैं? तो इसमें कौन से मामले आते हैं पहले ये समझें। जैसे आपको पता, किसी को शादी तलाक लेना है, मतलब शादी के मामले, उत्तराधिकार के मामले, उत्तराधिकार के मामले का आप समझिए क्या, हमारे यहां ईसाइयों के लिए 1872 में एक्ट आया, उसमें इनके दिए गए हैं कि वो कैसे विवाह करेंगे, कैसे विवाह विच्छेद होगा और कैसे संपत्ति ट्रांसफर होगी। मुस्लिमों के लिए जब बात की गई तो 1937 का एक एक्ट है, और हिंदुओं के लिए 1956 में हिंदू विवाह कोड आया। अब इन तीनों के लिए अलग अलग क्या है, कानून है, और ये आपको पता धर्म से प्रेरित है, ये ईसाइयत उनकी उससे प्रेरित है, ये इनके शरीयत वगैरह से प्रेरित है, अपने यहां भी उससे प्रेरित है, सबके अलग अलग। इसके चक्कर में महिलाओं के साथ होता है भेदभाव। जैसे आप देखिए तलाक कैसे क्या, कि वो मान लो क्रोधित हो गए, पता चले फोन से तलाक दे दिया, गुस्सा हो गए, तो इस तरीके के भी मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। फिर हमने उन्हें हमेशा दोयम दर्जे, कारण क्या, संपत्ति उत्तराधिकार में किसी ने नहीं अधिकार दिया। अब हिंदू कोड बिल में तो दे दिया गया कि लड़कियों को भी क्या होगा, पिता के और पति दोनों की संपत्ति में अधिकार होगा, लेकिन आज भी इनमें संपत्ति में अधिकार नहीं है।
उन्हें क्या है कि विवाह के दौरान जो पुरस्कार स्वरूप जो भेंट मिल जाता वही उनकी संपत्ति मानी जाती है। इसलिए आप देखिए वो कितना पजेसिव होती है कि ये चाची ने दिया, ये ताई ने दिया, ये दादी ने दिया, ये बुआ ने दिया, और इसीलिए वो सबको सामूहिक रूप से जुड़ा भी करती हैं क्योंकि उन्हें पता कुछ न कुछ कुछ न कुछ। और इसीलिए महिलाएं भी व्यवस्था करके कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ देता है कि नहीं, और वो कारण क्या है कि उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से वही संपत्ति उनकी मूल संपत्ति रही, उत्तराधिकार कभी उन्हें मिला नहीं। इन्हीं मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे आर्टिकल 44 दिया गया। ठीक, अब कोई कह दे कि वे उस समय क्यों नहीं, कारण क्या, हमारा देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। उस दौरान अगर तात्कालिक रूप से हम ऐसा वो करते तो शायद जनता को आक्रोश को कंट्रोल करना संभव ना हो पाता, बात समझ पा रहे। तो इसके चक्कर में उस समय हमने इसे लागू नहीं किया। फिर भी एक राज्य हमारे यहां भारत में है जिसे हम कहते हैं गोवा, वहां पर क्या है यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू है। तो हम कहें आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, इसके बहुत नकारात्मक सकारात्मक पक्षों पर बात की जा सकती है। सामान्यता इसे अभी इतना आसान नहीं है लागू करना, किस लिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें इतनी ट्राइबल्स रहती हैं, उनकी वैवाहिक पद्धतियां इतनी भिन्न भिन्न हैं कि उनमें सामंजस्य बैठा पाना बहुत मुश्किल है, और उनकी वैवाहिक पद्धतियों में दखलंदाजी देने का मतलब ऑलरेडी वहां पर अल्फा ग्रुप, नागा ग्रुप, बहुत से ग्रुप चलते हैं, और उनकी अगर उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत बड़े आक्रोश खड़े हो सकते हैं, समझे। और आपको पता है सामान्य जो मुख्य धारा में जुड़े लोग हैं वो भी संस्कृति को लेकर बहुत दृढ़ है। आप किसी भी चीज पर क्वेश्चनेबल कर दीजिए, लेकिन अगर आपने कल्चरल कोई क्वेश्चन कर दिया तो आपसे बुरा कोई होता नहीं। तो यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए साधारणता हम कहें तो एक सामान्य सा रास्ता यह है कि धीरे धीरे जनता को जागरूक किया जाए। ऐसे मामलों में सरकार को डायरेक्टली अगर वो दखलंदाजी देती है तो उससे क्या होता है, कहते हैं लेवियन स्टेट बनता है। लेवियन स्टेट का मतलब होता है कि जनता पर धर्म के भी चीजों को थोपा जा रहा है, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं लेवियन लेवियन स्टेट, तो वो थोपा जा रहा है। ऐसे स्टेट को ना बनाकर हमें पता है कि हमारा इस चैप्टर का उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि यूसीसी की प्रक्रिया को थोड़ा अभी और लंबा चलेगा, धीरे धीरे लोगों में और जागरूकता आएगी, और उस जागरूकता का स्तर जब ऐसा पहुंचेगा, जैसे मैं सामान्यता कहूं बहुत से सिम्टम्स में कमी आई, देवदासी प्रथा भी हमारे यहां चरम पर चल रही थी, क्या कम तो हुई है कम से कम, अनटचबिलिटी कम हुई है कम से कम। हम कहें सबरीमाला में भी कुछ लोग पक्ष में आ चुके हैं कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाए, या आपने देखा कि बहुत से और भी ऐसे प्रोग्राम होते थे जिन्हें महिलाओं में जिनमें उन्हें छूट नहीं मिलती थी और उनमें छूट मिल रही। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन अभी सरकार कुछ स्तर पर कदम उठा सकती है। जैसे आपने देखा हिंदू कोड बिल में संपत्ति उत्तराधिकारी में उठाया, इक्विवेलेंट का वो दिया, तो ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। हमारा कहने का मतलब हमें यहाँ केवल आर्टिकल समझना है कि आर्टिकल 44 क्या डील करता है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यहाँ आपराधिक मामलों की नहीं है, कौन सी है, सिविल मामलों की। सिविल मामलों में केंद्र में क्या है, विवाह है, संपत्ति का उत्तराधिकार है, या हम कहें विवाह से संबंधित अन्य जितने भी मुद्दे होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर, तो आप आर्टिकल 44 लिख लीजिए और उसमें लिख दीजिए समान नागरिक संहिता। देखिए अब हम अगला समझाते हैं आर्टिकल 45। इस आर्टिकल 45 में पहले तो यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, पहले क्या कहा गया था, 6 से 14 वर्ष तक, लेकिन आपको पता है इसे 86 अमेंडमेंट द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब इसमें कितने वर्ष तक का रह गया, 6 वर्ष तक के बच्चों। जैसे आंगनवाड़ी के जो कार्यक्रम चलते हैं या ICTS प्रोग्राम एक चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सब किन बच्चों के लिए चलते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। सिर्फ समेकित बाल विकास जो योजनाएं चलाई जा रही हैं 75 क्षेत्र के करीब से हमारे यहां, वो इन्हें बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही है। तो वो किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 45। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखरेख करेगा, ये सीधा लिखा। ठीक, ये चीज, एक चीज और एडिशनल बता दें, यह व्यवस्था हालांकि प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए थी,
कितने वर्ष के लिए थी? 10। लेकिन अब आपको बताया जब वो हासिल नहीं हो पाई लक्ष्य, तो हम उसे निरंतर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। अब आते हैं आर्टिकल 46 पर। मैंने इसमें बताया तीन लोगों के लिए बात की गई, एससी एसटी और दुर्बल वर्ग। इनके बारे में क्या कहा गया कि शिक्षा हेतु हम शिक्षा और अर्थ हेतु सहायता कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी कुछ लोगों ने कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट कराई, जैसे एक अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार कहीं पर कुछ साबुन और वो डिस्ट्रीब्यूट कराई, तो एक इशू बना दिया गया था, फिर इसी को डिफेंड किया गया था इसी आर्टिकल के तहत। वो कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो सब इसी के तहत होते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत आप जो स्कूटी की बात कर रहे थे, अरे लैपटॉप की बात करते हैं, फोन की बात करते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत है? इसी के तहत। ठीक, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 इसमें कहता है कि हम जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा। काक कैसे उठेगा? तो काक पोषण स्तर बढ़ाए हम पहले, ध्यान से समझते हैं। और फिर कहा कि हम स्वास्थ्य पर क्या करें, फोकस करें। तीन बातें कही नहीं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उसके लिए पोषण स्तर। जैसे जो महिलाओं के लिए आपने देखा होगा न्यूट्रिशंस की आती हैं, जैसे जैसे फोर्टिफाइड राइस बटवाया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत है। ठीक, तो उसमें फोर्टिफाइड में क्या किया गया, उसी चावल को पीसा गया, फिर उसमें आयरन मिलाया गया, और फिर उसके कैप्सूल टाइप का बनाकर घरों घरों क्या कराया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो ये किसके तहत है? ठीक, या मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य कह रहा कि हर चीज स्वास्थ्य पर हम फोकस करवाएंगे। इसी में मद्य निषेध की भी बात की। मद्य निषेध क्या, आप जैसे मान लीजिए कोई नशे में धुत पड़े, ठीक, तो उससे क्या है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी के बारे में समझिएगा, जितने ड्रग्स से रिलेटेड, जैसे अभी मैं एक न्यूज बताऊं आपको, आपने शायद भी पढ़ा हो कि अब जो हमारे यहाँ डार्क वेब चलती हैं, डार्क वेब, उन वेबसाइटों के माध्यम से 250% ड्रग का होम डिलीवरी बढ़ा है। कल का न्यूज है ये, नहीं समझ पाए? डार्क वेब मतलब जिन पर आम लोगों की पहुंच नहीं होती है, साइट्स पर, सोशल साइट्स पर, जो गूगल, इंस्टाग्राम, क्रोम वगैरह पर, उनके तहत खरीद परोक्त में कितने लोग, उसकी पर्टिकुलर एक कोड होता है, उसी लिंक से आप उस पर परचेज या वो कर सकते हैं। तो डार्क वेब के माध्यम से 250% बढ़ रहा है। तो मीन क्या है इसका, तो सरकार क्या करेगी, इस पर कंट्रोल करेगी। ठीक है, मद्य निषेध। आपने इसी के तहत सुना होगा कई राज्यों में शराबबंदी, जैसे बिहार में, गुजरात में चलती, तो ये सब उसी के तहत। कोविड वाला भी आपको ये मुद्दा समझ में आया। मैंने पोषण स्तर बढ़ाने के लिए आप बताए डिस्ट्रीब्यूट होता है महिलाओं के लिए खाने पीने की सामग्री, और अगर ये सब हो जाएगा, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो फिर उसका जीवन स्तर तो उठेगा भाई। ऊपर शिक्षा के लिए तो कर ही चुके हैं वो। ठीक, अब देखिए आते हैं आर्टिकल 48। इसमें मेन फोकस उन्होंने ये कहा है जो जीव जंतु हैं इनकी हम नस्ल में सुधार करेंगे वैज्ञानिक पद्धति से, नस्ल में सुधार। ठीक है, तो नस्ल में सुधार आप समझ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे आपको बताया है, हम क्या बताएं, मान लीजिए उच्च कोटि के जो जीव होते हैं, उच्च कोटि का मतलब जो स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, उनसे क्रॉस करा के बच्चे पैदा कराने की कोशिश की जाती है, या कुछ ऐसे जेनेटिकल स्टडी उनकी की जाती है जिसकी वजह से ये देखा जाए कि उससे क्या होगा, दूध ज्यादा देगा, या मजबूत बैल के रूप में बछड़ा जो होगा वो आगे काम करेगा। इस तरीके की भी कोशिशें इसके आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। ठीक, इसी के तहत हम और दूसरा बता दें, संरक्षण। जैसे मैंने आज बताया सालवन गछुए का संरक्षण, जैसे मैंने बताया ब्लूफिन महासिर मछली का संरक्षण, तो ये जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण भी। ऐसे बुक्सा जो है, बुक्सा टाइगर रिजर्व हमारा पश्चिम बंगाल का जो है, वो बहुत चर्चा में चला क्योंकि वहां पर रॉयल टाइगर्स देखा गया काफी सालों बाद, बस समझ रहे। तो इनके संरक्षण जितने प्रोग्राम ये चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम,
संरक्षण परियोजना या ओहेल मछली संरक्षण परियोजना भी यहाँ चलती है, और या हम कहें कि जितनी भी हाथी परियोजना चल रही है, ये सब किसके तहत है? इसके ठीक। या आपने देखा होगा कि देसी गाय और गायों के संरक्षण के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये रिकॉर्ड में हो रहा होता तो हम समझा देते हैं और अच्छे से इसे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे हम। थॉट बहुत खतरनाक था। 48 का समझ लो, इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि कार्बन सिंक अगर नहीं डेवलप होगा तो हम लोग भी एक दिन सिंक बन जाएंगे, आप समझ रहे, सिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे, तो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण की बात करता आर्टिकल 48। अब इनमें ज्यादा समझाने वाला 49 ज्यादा समझाने वाला नहीं, इसलिए संक्षेप में लिख लीजिए। इसमें क्या कहा गया कि जो इतने भवन हैं, स्मारक हैं या कोई ऐसी वस्तु जो कीमत है, इनके संरक्षण की बात की गई। जैसे भवन स्मारक आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला आपने सुना हो, ताजमहल सुना हो, या इमाम बाड़ा सुना हो, या भवन जैसे क्या है कि अपने जो केंद्रीय सचिवालय होते हैं, विधानमंडल वगैरह हर कैपिटल्स में होते हैं, इन सबके संरक्षण कुछ वस्तुएं भी, जैसे जो बहुत कीमती टाइप की हों, जैसे हम लोग सुनते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो बोधि वृक्ष था उसे लाके लोगों ने कटवा दिया, या उनकी बहुत सी पुरानी इमारतें रखी हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान की जो जिससे युद्ध युद्ध लड़ते थे वो भाला आला रखे हैं, तो इन सब चीजों के संरक्षण की भी बात कही गई। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें संरक्षित की जाएंगी। 50 आर्टिकल बता दें। आर्टिकल 50, इसमें यह कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण, इसे थोड़ा ध्यान से समझें। सरकार के तीन अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? तीन। एक होता है आपको पता विधानमंडल, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका, और सबका अपना अपना काम होता है। इसका विधि निर्माण करना, इसका लागू करना, और इसका ये देखना कि ठीक से लागू हो रही है या नहीं। तो इनमें सेपरेशन की बात की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। अगर याद हो आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, और उन क्षमादान शक्तियों के तहत इसकी धज्जियां उड़ती हैं। यानी क्या है, क्यूरेटिव पिटिशन या कोई भी पिटिशन, चाहे जैसा सजा हुई हो, चाहे मृत्यु दंड मिला हो, हर चीज पर राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है। होता है, डिटेल में आर्टिकल 72 बताएंगे तो इसका विरोधाभास समझाएंगे थोड़ा सा। आर्टिकल 50 वर्सेस आर्टिकल 72 क्या है, पूछा जा चुका है मेंस में, ठीक है। तो बात यहां से समझ में आ रही, तो अभी केवल ऐसे समझे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक। जैसे पहले जब राजतंत्र चलता था तब आपको पता, राजा अगर कोई क्राइम कर दे तो वो क्या अपने खिलाफ न्याय कभी देगा? नहीं देगा। तो उसी तरीके का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो आर्टिकल 50 समझ रहे। आर्टिकल 51 डाल लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करना, अगर सामान्यता रहे तो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अब देखिए इसका मतलब है हमारा वसुदेव कुटुंबकम, इसी के तहत हम कहते हैं कि अगर कोई भी संधि करके आए हैं मित्रता, तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, मतलब किसी देश के साथ। इसमें क्या क्या चीजें हैं समझे, एक तो आप कोई भी ऐसी नीतियां सरकार बनाए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, शांति हो। जैसे हम लोग हमेशा गुटनिरपेक्ष की नीति फॉलो की है इसी आर्टिकल को प्रेरित करने के लिए। गुटनिरपेक्ष का मतलब हम किसी गुट के साथ नहीं है। हालांकि इस समय हमारे यहाँ के आप देखिए, जब से सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है, तब से जब अभी इजराइल वर्सेस वो चला, तो हमारे देश के कुछ लोग दो ध्रुजों में बटे,
इस समय रसिया यूक्रेन चल रहा है, तो इस समय लोग भी दो गुटों में बट रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम इस आर्टिकल के तहत नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी हम आपके क्वेश्चन को ले रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। तो हमने वसुदेव कुटुम्बकम को फॉलो किया, हमारे यहाँ के जितने दार्शनिक भी हुए सबने वसुदेव कुटुम्बकम, जैसे श्री रामानुजाचार्य की बात करें तो उन्होंने भी हमेशा किस बात को बढ़ावा दिया, वसुदेव कुटुम्बकम को। फिर तीसरी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की जनता कभी भी, जैसे अगर कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं तो उसमें उस आधार पर उनका विरोध नहीं किया जाता। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, नेपाल में एक इशू चल रहा है, अगर आपको याद हो, नेपाल में एक एजेंडा यह दिया गया कि 50 करोड़ बिलियन समथिंग कुछ अमाउंट है, अमेरिका कह रहा है कि तुम ले लो नेपाल से, लेकिन नेपाल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कारण क्या है? क्योंकि चाइना और यूएसए, चाइना की पहले से पेट कहां पर है, और वहां की जो राजनीतिक पार्टी है उसमें कुछ लोग जो सत्ता में हैं इस समय वो चीन प्रो हैं, और जब वो चाइना के समर्थन में खड़े हैं तो वो सोचते हैं अगर अमेरिका की एंट्री हुई तो चाइना क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो वहां की जनता जो है वो आपको पता है उसके चक्कर में राजनीतिक पार्टी कुछ विरोध में और कुछ पक्ष में, समझ? तो हम कहने का, हमारे यहां लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा क्या किसी इन्वेस्टमेंट पर आम जनता ने क्वेश्चनेबल किया हो? नहीं, राज्य सरकारों का ही पूरा क्या दे देते हैं हम लोग निर्णय, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत विधिवत तरीके से सब चीजें स्पष्ट की गई हैं कि राज्य क्या क्या कर सकता है और व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, समझे? अब इतना जब आपने सब सुना तो तुम्हें कुछ अच्छा फील हुआ क्या? अब क्या हुआ, अब हम बताते हैं, ये सब जब बातें बताई गई तब तो कुछ थिंकर्स आए, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। पहला एक व्यक्ति आया जिसका नाम है केटी शाह, और पता क्या बोला, कहने लगा कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये पूछा गया है, लिखते जाइए, केटी शाह ने क्या कहा इन डीपीएसपी के बारे में, कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए, केटी शाह सही कह रहे हैं, कारण क्या, हमारे देश की उस समय स्थिति ही ऐसी नहीं है कि हम इन सभी को लोगों को उपलब्ध कराने है, क्या स्थिति, हमें विरासत में गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा मिला था जब हम स्वतंत्र हुए हैं, ठीक। तो इन सब चीजों को अपलिफ्ट होने, धीरे धीरे ही अपलिफ्ट होंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आया जो, मतलब उसने कहा कि अच्छा ऐसा इन्होंने बोल दिया, तो एक थिंकर का नाम है जेनिंग्स, उसने कहा कि पवित्र इच्छाएं हैं लोगों की, क्या कह दिया इन्होंने, पवित्र इच्छाएं, नहीं समझ पाए। हाँ, उसने कहा कि पवित्र इच्छाएं हैं, पवित्र इच्छाएं मतलब कि कल्याणकारी राज्य के, सब चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अब जैसे हम लोग भी सब अपने जीवन में कुछ भी कुछ ऐसा चाहते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि नकारात्मक हो, हर चीज में एकदम एकदम फिक्स है ना कि ये सब हो, लेकिन क्या ये सब चीज अर्जित हो जाती है, नहीं। तो ऐसे ही कहा कि ये जितनी भी चीजें इसमें लिखी हैं ये पवित्र इच्छाएं हैं। और दूसरी बात इसने और बोल दी, कहने लगा अगर ये हो जाए, मतलब ये किसका सामाजिक क्रांति का आधार बनेगी, अगर ये सब पूरी हो जाए तो हम मानेंगे कि भारत में क्या हो गया है, सामाजिक क्रांति हो गई, ठीक। दूसरा व्यक्ति आया थिंकर, करने लगा, नसीरुद्दीन आ गया, उसने कहा कि न्यू ईयर ग्रीटिंग्स हैं ये, न्यू ईयर में नहीं देखा कितने प्यारे प्यारे चीजें लिख के हम लोग ग्रीटिंग्स में देते थे, है ना, तो वो कह रहा कि न्यू ईयर ग्रीटिंग्स हैं, ठीक। तो समझ आ रहा। फिर अब ये लोग आए जब अंबेडकर, तो अंबेडकर ने कहा, कहने लगे कि इसका अभी हम थीम बताएंगे, कि कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो उन्होंने कहा अगर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो तो तुम्हें, मतलब अगर तुम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो तुम्हें आर्थिक सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आर्थिक लोकतंत्र जरूरी है, तो इसके बारे में ये भी अम्बेडकर ने कहा, तो इसे लिख दीजिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की भी आवश्यकता है। अच्छा,
अब ध्यान से समझे, ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि ये क्या करना चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम बताएंगे कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, राज्य की स्थापना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे डीपीएसपी के। अब बताइए राजनीतिक लोकतंत्र कौन स्थापित करेगा, मूल अधिकार, और आर्थिक लोकतंत्र कौन स्थापित करेगा, हाँ अब बचा कौन सामाजिक, सामाजिक लोकतंत्र भी ये स्थापित करेगा। तो आर्थिक लोकतंत्र मेन है और साथ में कौन सा, सामाजिक, ठीक। तो ये अब इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए आपको। अब हम आपको वो चीजें बताते हैं जो थोड़ा विरोधाभासी रही। पहले तो इसमें अमेंडमेंट कौन कौन से हुए, एक अमेंडमेंट आप लिखेंगे 44th अमेंडमेंट, और किसमें हुआ, आर्टिकल 38 की भाषा में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, आर्टिकल 42, ये जितने भी जोड़े गए हैं 39 क्लॉज 4, फिर जितने भी हम कहें 39 का क्लॉज नहीं बोल रहे हैं, 45 का, ठीक है 48 का, ये सब किसमें जोड़ेंगे, लिख लिया। अब 43 खा अगर जोड़ा जाए, कोई पूछे किससे जोड़ेगा, तो 97th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट ही, ये भी लिखा है मैंने 42nd अमेंडमेंट, ठीक। ये 2011 का है, 97वां संविधान संशोधन, जिसमें सहकारी समितियां जोड़े, ये सब क्वेश्चन बनते हैं कौन किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अच्छा नहीं समझ पाए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन हो गया, फिर क्या है 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 क्लॉज 4 जोड़ी गई, जिसमें बालकों के लिए विशेष प्रावधान पीछे लिखाया है, फिर 39 का जोड़ा गया जिसमें निशुल्क न्यायिक सहायता, फिर 43 का जिसमें उद्योग धंधों में कर्मकारों की भागीदारी, फिर पर्यावरण को संरक्षण 48 का जोड़ा गया। तो हमें याद रखना है कौन आर्टिकल किसमें जोड़ा, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। फिर 43 खा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा। बात क्लियर, ठीक आगे देखें, रफ करें। क्या डीपीएसपी को लेकर और मूल अधिकारों को लेकर कुछ विवाद खड़े हो गए, एक अमेंडमेंट हमें और पढ़ना है 25वें संविधान संशोधन, डाल लीजिए 25th अमेंडमेंट, मैथमेटिकल हम लिख दे रहे 39 खा और 39 गा ग्रेटर देन आर्टिकल 14, 19 और 31। नहीं समझ पाए इसका समझिएगा, कहना ये चाह रहे हैं अगर राज्य सरकार 39 खा और 39 गा भौतिक संसाधनों का वितरण, उत्पादनों का विकेंद्रीकरण लागू कर रही हो और अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता हो, तब भी डीपीएसपी को ही वरीयता दी जाएगी। आप समझ रहे हैं इतनी बात। पूछे इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए 31 सी या 31 गा जोड़ा गया है। इस अमेंडमेंट में कौन से आर्टिकल में यह बात लिखी गई है, 31 गा या 31 सी, ठीक है 31st क्लॉज सी या हम कहें 31st क्लॉज गा, 31 गा में यह बात लिखी गई है, ठीक है। एक साथ में अमेंडमेंट विवादित और बताते हैं जो आप बाद में उसे निरस्त किया गया, ध्यान से समझें। ये इंदिरा गांधी ने किया, फिर इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन लाई थी, 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा ने यह बोल दिया कि सभी डीपीएसपी, सभी डीपीएसपी मतलब सभी राजनीतिक निदेशक बड़े होंगे किससे,
1931 से, जिसे मिनर्वा मिल्स मामले में समाप्त किया गया। मिनर्वा मिल्स मामले में समाप्त किया, मतलब मिनर्वा मिल्स मामले ने कहा कि सभी टीपीएसपी को मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन किसे मिलेगी? 39 ख और 39 ग को। वर्तमान स्थिति केवल 39 ख और ग को लागू करने के लिए, अगर 14/1931 का उल्लंघन होता है तो वो माना जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बात क्लियर है? रफ करें तो प्रीलिम्स में यहां तक क्वेश्चन, उसके बाद अगर कोई पूछ दे कि बताइए अच्छा फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी कौन है, तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट कहता है ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, है? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, सप्लीमेंट्री, समझे? यही एक रिश्ता है, ठीक? नहीं तो हम ये एग्जांपल नहीं देते, जैसे सप्लीमेंट्री के रूप में माना जाता है, ठीक? तो दूसरी बात, लेकिन अगर पूछे फिर भी क्या है, तो हम कहेंगे एफ आर ग्रेटर देन डीपीएसपी है, अगर ये ऑप्शन ना हो तो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक दूसरे के पूरक, और जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं तो कहते हैं मूल अधिकार बड़े हैं किससे? डीपीएसपी से। निष्कर्ष समझ में आ रहा? दूसरी चीज, इन्हें नकारात्मक माना गया है और इन्हें सकारात्मक माना गया है प्रकृति में, कैसे समझिएगा? यहां मूल अधिकार में हर जगह रोका गया है कि राज्य क्या नहीं करेगा, और यहां हर जगह बताया गया है कि राज्य क्या करेगा, इसलिए इन्हें बाय नेचर पॉजिटिव बोला गया है और इन्हें बाय नेचर क्या? नेगेटिव। ये सब स्टेटमेंट है यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर। लेकिन वो ऐसे लिखते हैं कि मूल अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है, और फिर कहते हैं कि राज्य के नीति निषेध तत्व प्रकृति में सकारात्मक है, दोनों स्टेटमेंट सही किए जाते हैं, ठीक है? इन नेचर। और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, उस पर फोकस करिए जो सेंटेंस में बोल रहा हूं, किस लिए? क्योंकि यहां मौलिक अधिकारों में राज्य को रोका गया है कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य क्या नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति वंश मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक? 16 में भी कह रहा धर्म जाति निवास मूल वंश वंश क्रम इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, समझे? तो क्या नहीं करेगा? इसमें कहता है कि राज्य क्या करेगा, इसमें क्या कहता है? राज्य क्या करेगा, नहीं समझ पाए, ठीक है? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक? और बताएं रफ करने से, तो ओवरऑल आपको क्या क्या समझ में आया डीपीएसपी में? डीपीएसपी क्या है कोई संक्षेप में कहे तो हम क्या बताओगे? राज्य को दिए गए ऐसे निर्देश जिनके आधार पर वो शासन को संचालित करे, या हम कहें इसमें शासन के बेमूलभूत नियम हैं जिन्हें समाज के कल्याण हेतु या कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्यों को लागू करने चाहिए, ठीक? फिर उसमें हमने आपको आर्टिकल्स बता दिए, कहां क्या जजमेंट है, क्या विरोधाभास, ये बता दिया। मैंने बताया कि मेंस प्रोस्पेक्टिव से हर आर्टिकल पर बहुत बड़े बड़े इशूज हैं, जैसे आर्टिकल 38 मैंने बताया, असमानताओं को दूर करने क्या सरकार ने कौन कौन से कदम ऐसे उठाए, इस पर भी क्वेश्चन बनाए, ठीक? हमारे यहां सामान्यता प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं उसके लिए आज तक अभी कदम नहीं उठे, ठीक? 44 पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, विशेष कहां है बताइए, है? तो बहुत से ऐसे चीजें, तो ये यहां तक क्लियर? तो इसमें इतने ही रखते हैं हम, ठीक है?